क्या हाल है आपके? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक नया दिन, एक नई शुरुआत। फिलहाल अभी हम आ चुके हैं टर्मिनल 1 पे, एंड जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि मैं ऑलरेडी टर्मिनल 1 पे आ चुका हूँ। जिन जिन को नहीं पता है तो मैं बता दूँ, टर्मिनल 1 इज डोमेस्टिक एयरपोर्ट सांता क्रूज। और घर से मैं सुबह निकल गया था 10 बजे के आसपास, मैं आपको दिखा नहीं पाया ज़्यादा क्योंकि फ़ोन इतना चार्ज नहीं था, बैटरी इतनी चार्ज नहीं थी। तो मैंने क्या, मैं बैठ के फ़ोन चार्ज कराया। तो अब आप लोग के लिए यहाँ पर मैं ब्लॉगिंग करूँगा और दिखाऊँगा कि क्या है और मैं कहाँ जा रहा हूँ। सो आई विल शो यू ऑल दोज थिंग्स एंड अपडेट्स। फिलहाल मैं इनमें से किसी टैक्सी में से उतरा हूँ एंड आई एम नॉट श्योर अब वो कहाँ गई है। फिलहाल अब हम चलते हैं अंदर। दिस इज़ डिपार्चर गेट नंबर 2, वो है गेट नंबर 1 और आगे है अराइवल्स का गेट। बस आप बताओ, डिपार्चर से चलें कि अराइवल से चलें? खैर जहाँ से भी चलते हैं जल्दी चलते हैं, जल्दी से चेक इन करते हैं क्योंकि हम लेट हो जाएंगे। फिलहाल अभी हमने चेक इन करा के यहाँ से ले ली है एंट्री और अभी हम सोच रहे हैं कि बोर्डिंग पास निकाल लें। हालांकि मेरे पास डिजिटल बोर्डिंग पास है ऑलरेडी। फिलहाल मेरे पीछे ये जो जितने भी काउंटर्स हैं बड़े खाली से पड़े हैं एंड एयरपोर्ट भी बड़ा खाली सा दिख रहा है, बट ठीक है, हम अपना इंडिगो का काउंटर ढूंढते हैं और वहाँ पे कराते हैं चेक इन जल्दी से। लिविंग लिक्विड्स तो भाई हर जगह खुल ही रहा है, बट इनकी सर्विस आई बिलीव अच्छी ही होगी, तभी हर जगह खुल रहा है ये। एंड ये रही ऐसी कुछ भीड़ अकासा एयरलाइन की, अपने इंडिगो वाले तो सब खाली हैं फिलहाल। पूछते हैं क्या, बोर्डिंग पास निकालते हैं और फिर चलते हैं आगे की जर्नी पे। और जैसे कि आपको पता है कि जर्नी का डेस्टिनेशन अभी रिवील नहीं हुआ है, सो आपको पता लग जाएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो के एंड में आपके लिए सरप्राइज भी है कि मैं कौन सी जर्नी है, कौन सा डेस्टिनेशन है, दैट वुड बी अ स्पेशल वन। एटलीस्ट मेरे लिए तो स्पेशल है काफ़ी। फिलहाल बहुत से काउंटर्स यहाँ पे, माडवा डोनट्स, आमचा खट्टा, idli.com, मुंबई से, एंड भूख तो लग ही रही है बहुत शोरों शोरों से। ये है इंडिगो का कुछ काउंटर। फिलहाल आपका भाई कुछ ऐसा सा लग रहा है। ये हूँ मैं और ये हैं आप, या ये हूँ मैं, ये हैं आप। चलते हैं फिलहाल। ट्रॉलीज की हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम तो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं ना, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर। फिलहाल अभी हम चलते हैं आगे और कराते हैं चेक इन। ये वाला नहीं है अपना। लेट्स गो ट्रिपर्स। तो ट्रिपर्स, फिलहाल बोर्डिंग पास निकल चुका है हमारा, ले लिया है हमने बोर्डिंग पास। और यहाँ पे कुछ सिस्टम अजीब था कि यहाँ पे काउंटर्स सेल्फ बोर्डिंग पास निकालने के काउंटर्स नहीं थे यहाँ पे। लाइक यू जस्ट हैव टू गो टू द काउंटर एंड आस्क देम टू प्रिंट द बोर्डिंग पास फॉर यू। सो यहाँ पे ये सिस्टम चल रहा था। अभी मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि एयरपोर्ट ज़्यादा भरा नहीं है बिकॉज फॉर ऑब्वियस रीजंस दिस इज़ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। लास्ट टाइम मैंने दिखाया था जब मैं दिल्ली से फ्लाई किया था तो मैं इंटरनेशनल पे लैंड किया था। फिलहाल अभी मैं डोमेस्टिक हूँ। सो मेरा गेट नंबर है 25 एंड दीज आर दी स्ट्रेट अपस्टेयर्स जो कि हमें डायरेक्टली ऊपर जाना है गेट नंबर 25 की तरफ। लास्ट वाले चेक इन काउंटर से होते हुए लोगों को चैन नहीं है भाई, सुबह सुबह भी ख़रीदारी शुरू कर दी उन्होंने लिक्विड से। फिलहाल के पास भूख तो लगी रही है बहुत तेज़। एंड व्हाट डू वी हैव, कुछ ठीक ठाक सा तंदूरी पनीर, सिनेमन रोल्स, डबल चॉकलेट मफिन्स। फिलहाल कुछ खास ज़्यादा देख नहीं रहा है। फिलहाल एक बार अपनी फ्लाइट की अपडेट्स चेक कर लेते हैं। हम
बस भीड़ तो बहुत खतरनाक है, मेरे पीछे भी लगा था लोग आते जा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे भीड़ नहीं है, बट यहाँ पे वाकई बहुत ज़्यादा भीड़ है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ कुछ है अपडेट अगर आप गेस कर पाओ, क्योंकि मैंने आपको इतना तो दिखा दिया है कि फ़्लाइट है मेरी इंडिगो छत्तीसगढ़ बॉम्बे टू समवेयर, तो आप लोग इसमें देख के गेस करो कि फ़्लाइट मेरी कौन सी हो सकती है। अगर आप लोग गेस कर पाओ तो इट्स गुड, ना कर पाओ तो बस। ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं क्यू को पार करते हुए, इतनी सारी भीड़ को पार करते हुए। फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं एंट्री पे, हमारा सिक्योरिटी चेक होगा, उसके बाद हम डायरेक्टली जाएंगे अपने गेट नंबर 25 की तरफ। गेट नंबर 25 ढूंढना भी तो एक टास्क। जस्ट अभी सिक्योरिटी चेक इन कराने के बाद हमको हमारी मिली है ट्रे, जिसमें से मैंने फ़ोन निकाल के सारी चीज़ें सिक्योरिटी चेक इन करवा ली थी, घड़ी वगैरह मुझे सारी चीज़ें पहननी है, एक बार फ्लाइट का टाइम फिर से चेक करना है, एंड गेट नंबर 22 से 21 के लिए स्ट्रेट जाना है हमें। सो फिलहाल ऐसा है कुछ नज़ारा यहाँ का, जो कि है काफ़ी भीड़। ये हो रहा है सिक्योरिटी चेक इन, और ये आपका भाई। जल्दी से मैं अपनी चीज़ें पहनता हूँ, बैग में रखता हूँ इन सारी चीज़ों को, और हम चलते हैं हेलियोस में थोड़ी शॉपिंग करने के लिए। मजाक कर रहा हूँ, डायरेक्टली मुझे अपने गेट पर जाना है। यूट्यूबर्स जितनी भीड़ आप देख रहे हो ना हेलियोस में, मोस्ट ऑफ द लोग सिर्फ टाइम पास करने के लिए खड़े हैं, अपनी फ्लाइट का जो टाइम है ना उससे बचने के लिए खड़े हैं यहाँ पे। कोई एयरपोर्ट पे आके भी शॉपिंग नहीं करता, कौन होगा भाई जो बोलेगा अच्छा मेरी फ्लाइट लेट हो रही है चलो एक घड़ी खरीद लेता हूँ। नोबडी विल परचेज एनी स्टफ फ्रॉम हियर। खाने पीने की बात अलग है, जैसे खाने पीने की चीज़ें होती हैं, कॉफ़ी बीन्स है कुछ है, बट हो सकता है शायद आई माइट बी रॉन्ग, हो सकता है कुछ लोग वाकई शॉपिंग वगैरह करते हैं भाई, वो अपने घर से इतने किलोमीटर्स निकल के चल के सिर्फ ये सोच के आते होंगे शायद कि चलो एयरपोर्ट से शॉपिंग करते हैं, इट्स कुड बी पॉसिबल। फिलहाल चलते हैं मदाम में, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ अपने लिए कुछ टॉप ट्यूब खरीद लूँ, है ना, है ना ट्रिप, मतलब यही तो बचा है। सब्सक्राइब वगैरह आप लोग करोगे नहीं तो हम क्या करें, मदाम में जाके टॉप टू भी खरीद लें और वही करें, चुपचाप से सब्सक्राइब कर लो यार, क्या कर लो बेटे, बस देखते रहना यार, गेट नंबर 25 कहीं नज़र आए तो मुझे बता ज़रूर देना। क्रॉक्स खरीदने क्या, एक क्रॉक्स तो ऑलरेडी पहने हुए हैं, दो चार छः और खरीद लेते हैं। गेट नंबर 25 अभी भी बहुत दूर है, बहुत चलना पड़ेगा यार। सैंडविचेस टैकोस, लो भाई ट्रिपर्स जिनको चाहिए ना चाइल्ड बियर, वो लोग चाइल्ड बियर यहाँ पे आके पी सकते हैं, जैसे हमारे दो भाई पी रहे हैं वहाँ पे। आप आए सिर्फ चाइल्ड बियर पीने आइए एयरपोर्ट, और कुछ करने मत आइएगा। फिलहाल देखते हैं हल्दीराम में क्या चल रहा है। हल्दीराम ओके पैक्ड है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज पैक्ड, बाय एनी टू गेट वन फ्री। गेट नंबर 25 यहाँ हम भी बैठ के वेट कर सकते हैं अगर हमारे पास कुछ नहीं है करने के लिए, और अगर हमारे पास बहुत सा कुछ काम है तो हम वो काम भी कर सकते हैं। फिलहाल दिस इज़ वॉशरूम, दिस इज़ फॉर मेन, दिस इज़ फॉर वुमेन, महिलाएं और पुरुष। गेट नंबर 25 पे हम पहुंच चुके हैं और हमारी बोर्डिंग जो है वो शुरू होगी 12:40 पे, अभी हो रहे हैं 12। सो हमारे पास भी बहुत टाइम है, क्या करूँ मैं भी, सरोस्के के शोरूम में जाके खड़ा हो जाऊँ करूँ टाइम पास? नहीं ड्रिपर्स यार, हम ऐसे टाइम पास नहीं करते। ड्रिपर्स यार क्या हम गरीबों के खाने के लिए कुछ नहीं है क्या यहाँ पे, हम गरीब क्या खाएं, क्या खाएं हम गरीब बताओ, कुछ नहीं समझ में आ रहा ना कि मैं क्या बोलूँ आपसे, समझ ही नहीं आता यार, बोलते बोलते शब्द ही गायब हो जाते हैं कि अब क्या बोलूँ। मैं रिपीट कर देता हूँ ठीक है, अगर तुम लोग पकड़ लो या समझ जाओ
तो ज़्यादा समझना नहीं, ठीक है? क्या बस तुम में से ये चीज़ किसी ने खाई है? ये चीज़ अगर किसी ने खाई हो, इसको क्रोसेंट बोलते हैं, और ये फुल पत्तियों वाली कॉफ़ी तो आई एम श्योर सब ने पी होगी, मैंने भी पी रखी, सो दिस इज़ नथिंग न्यू। ये चीज़ अगर किसी ने खाई है जो अजीब सी शेप का जो क्रोसेंट है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ज़रूर, क्योंकि मैंने एक बार खाया और मुझे बाकी कुछ खास अच्छा नहीं लगा। मुझे उसका नाम लगता है क्रोसेंट, क्या ही नाम है यार। फिलहाल मैं कुछ अपने लिए देखता हूँ, कुछ खाने पीने की अच्छी चीज़, और जो भी मैं लूँगा वो आपको दिखाऊँगा ज़रूर। जैसा कि आपने सुना होगा कि बोर्डिंग शुरू हो गई है, कॉल आ गई है, सीट नंबर 21 से 31 जाएंगे उधर से, एंड आई बिलीव 1 to 21 जाएंगे इधर से, जिस लाइन में मैं लगा हूँ। तो मेरे पीछे की भी लाइन लग चुकी है काफ़ी ज़्यादा, एंड लोगों ने बोर्ड करना शुरू कर दिया है, और वैसे ही आपका भाई भी बोर्ड करना शुरू कर देगा। रिवर्स बोर्डिंग करवा ली हमने, फिलहाल जा रहे हैं एयरबस की तरफ। बोर्डिंग हो चुकी है, फाइनली वी आर एंटरिंग फ्लाइट के अंदर। डू नॉट लीन, फिलहाल हम जा रहे हैं डायरेक्टली फ्लाइट के अंदर, एयरबस के थ्रू नहीं जा रहे, डायरेक्टली फ्लाइट के अंदर कर रहे हैं। ऐसी कुछ है मेरे पीछे, कराते हैं चेक, चलते हैं अंदर। बाकी 48 सीट पे हम जल्दी से आगे बैठे और जल्दी से पहुंचे अपने डेस्टिनेशन पे। फिलहाल सही टाइम पे हो गई हमारी बोर्डिंग कंप्लीट, बैठ चुके हैं हम अपनी सीट पे। नहीं इंडिया नहीं करेंगे, और फ्लाइट भी ऑलमोस्ट, फिलहाल वेट करते हैं जल्दी से फ्लाइट टेक ऑफ करें। बहुत खुशी है कि आपको हम हमारे देश के साथ जोड़ सकें, प्रस्तुत है आपकी भी इंडिया बाय इंडिगो। धन्यवाद। बस फाइनल हम पहुंच चुके हैं अपने शहर कानपुर में। से अभी हम आए हैं, शायद इस साइड अलाउड नहीं होगा क्योंकि यहाँ से डिपार्चर वाले पैसेंजर्स होंगे, सो हमें इस साइड है, सो हम इस साइड से जाएंगे, उस साइड से नहीं जाएंगे। कोई बात नहीं, हमारा शहर सब चलता है। मुझे बस यार फिलहाल हमने
ऑटो कर लिया, ये हमारे ऑटो वाले भैया। और इस रोड से अभी हम निकले हैं एयरपोर्ट के बाहर, जिससे लिखा है चकेरी एयरपोर्ट। इस साइड हाईवे है, इस साइड शहर है अपना। खैर जहाँ भी हालत हो रही है बहुत ख़राब, कुछ ओला उबर तो कुछ मिली नहीं, तो प्राइवेट ऑटो कर रहे हैं और अंकल जी से ले रहे हैं कोल्ड ड्रिंक। अंकल जी रेडी? अंकल जी से ले रहे हैं कोल्ड ड्रिंक और तुरंत चलते हैं घर, क्योंकि धूप निकल दी है, हालत ख़राब। लेट्स मीट एट होम, इस ट्रिप करते हैं यहीं पर समाप्त। बने रहिएगा हमारे साथ और करते रहिएगा फॉलो, प्यार दिखाते रहिएगा। जय श्री कृष्ण।